Assalamu alaikum, dear students. As you know, I am Maria Nosheen and we are following online with computer revised edition. Continuing our chapter number one, we are studying the summary of chapter number one from point four. Leibniz calculator was improved upon Pascal's adding machine. जब आपके पास लेबनिस कैलकुलेटर था उसको इम्प्रूव किया गया किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पास्कल्स एडिंग मशीन में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई और आपके पास क्या बना फिर लेबनिस कैलकुलेटर बन गया ठीक है. जैकवर्ड स्लोम वाज डिज़ाइंड टू यूज़ डिज़ाइंड का मतलब है बनाया जाना डिज़ाइन करना को बनाया गया टू यूज़ पंच्ड कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जैकवर्ड स्लोम को बनाया गया टू कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करता था. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि जैकवर्ड लूम ये बताता था आपके प्रोसेसर को कि फॉर एग्जांपल उसके पास एक प्रोसेस प्लस का है एक माइनस का है एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीजन का है. तो जैकवर्ड लूम एक ऐसा कैलकुलेटर था जो ये बताता था कि पहले नंबर पे किस प्रोसेस को करना है दूसरे पे किसको करना है तीसरे पे किसको करना है और चौथे पे किसको करना है. क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रोसेसर के पास एक से ज़्यादा प्रोसेस आए हों तो प्रोसेसर उस वक्त का जो प्रोसेसर था जो पहली अर्ली मशीन्स थी वो एक ही वक्त पे बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती थी. उनको एक वक्त पे एक ही ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकती थी उनकी इतनी ही सलाहियत होती थी ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज. डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बैबेज ने ईजाद किया. इन्वेंटर का मतलब है ईजाद किया. इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था. एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन क्या है. एनालिटिकल इंजन आपने जब इम्प्रूव किया डिफरेंस इंजन को तो आपके पास एनालिटिकल इंजन बना. एनालिटिकल इंजन वॉज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन. ये डिफरेंस इंजन की एक इम्प्रूव्ड वर्जन है यानी कि डिफरेंस इंजन के अंदर आपने कुछ और क्वालिटीज़ डाली और क्या आपके पास बना आपके पास एनालिटिकल इंजन बना. इट्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड अपॉन टुडेज कंप्यूटर. इसका कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर के ऊपर है. तो ये याद रखना चाहिए आपको कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों को मिलाकर आज के कंप्यूटर की क्वालिटीज़ बनाई गई हैं. जो आज के कंप्यूटर के अंदर क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की वजह से ही हैं. नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटर डेवलपमेंट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट जनरेशन. आपको पता है कि डिफरेंट जनरेशन्स को इस्तेमाल करके आपके पास कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई है. पहले फर्स्ट जनरेशन आई देन सेकंड उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ और इसी तरह से आपके पास जनरेशन्स आई ठीक है जी. तो इनको हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट जनरेशन इसका ईयर कौन सा था. इसका ईयर आपके पास था 1951 से स्टार्ट हुई 1959 में ये डेवलप हो चुकी थी. इसमें डेवलपमेंट क्या हुई इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से आप डाटा को प्रोसेस करते थे. सेकंड जनरेशन आपके पास थी और सेकंड जनरेशन को का ईयर क्या था 1959 टू 1965 और इसमें आपके पास क्या है इसमें आपके पास ट्रांजिस्टर्स आए. थर्ड जनरेशन में आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए. इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे बहुत ज़्यादा सारे ट्रांजिस्टर्स को जब आपने मिलाया तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने और ये आपके पास 1965 से 1971 के ड्यूरेशन में रहा. फोर्थ जनरेशन आपके पास रही 1971 से आज तक यही जनरेशन चल रही है और आज भी आप माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं. बहुत ज़्यादा सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के हमने बनाए थे माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो प्रोसेसर की स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आज हम काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कौन सी जनरेशन में हो रहा है फिफ्थ जनरेशन में और ये फ्यूचर तक रहेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अमल है ये फ्यूचर तक रहेगा. अभी तक इस पर प्रोसेस हो रहा है काम इस पर अभी तक जारी हो रहा है. आपने क्या करना है आपने इस सारे टेबल को अच्छे से लर्न कर लेंगे आप ठीक है. आप लर्न करेंगे अपने नोटबुक्स पर राइट भी करेंगे. ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सॉरी ये चार्ट जो है चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यू मस्ट लर्न दिस टेबल
आपको फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें डेवलपमेंट क्या हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सो फोर्थ, फिफ्थ में क्या डेवलपमेंट हुई। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, कंप्यूटर के मुख्तलिफ इकसाम ये हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, तो आज तक हमने इतना ही पढ़ा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग की टर्म्स और फिर एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।